वसई विरार में चैन स्नैचिंग के मामले दिन ब दिन काफी बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, ऐसा एक मामला मानिकपुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत सामने आया था, जहां बंगली एक 62 वर्षीय किरण अशोक मगिया नामक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि किरण मगिया अपनी बहू के साथ सुबह स्कूटी से कहीं जा रही थी। उसी समय दो लोग मोटरसाइकिल से आए और स्कूटी में बैठी किरण की चेन लेकर फरार हो गए, जिस पर वरिष्ठों के आदेश पर क्राइम ब्रांच जोन 2 के अपराध शाखा ने चोरी की वारदात वाली जगह पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। वहीं तकनीकी जानकारी व मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी का पता लगाया गया, जिस पर पता चला कि आरोपी अंबिवली ईरानी बस्ती का रहने वाला है। वहीं जोन 2 की टीम ने ईरानी बस्ती में रहने वाले इस आरोपी की दिनचर्या की जानकारी अच्छे से निकाली, क्योंकि पहले भी ईरानी बस्ती में आरोपी को पकड़ने गए पुलिस दल पर हमला होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी थी, जिस पर कानून व्यवस्था को संभालते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां से अब्बास अमजद ईरानी नामक 24 वर्षीय इस सातिर चोर को गिरफ्तार किया। वहीं चोर के पकड़े जाने से वसई विरार के चैन स्नैचिंग के मामलों का खुलासा हुआ। वहीं सातिर चोर पर मुंबई व थाने में 21 जबरी चोरी के मामले दर्ज हैं। वह चोर के पास चोरी में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल तथा 87 ग्राम सोना ऐसे कुल 3,31,000 का माल बरामद हुआ। वहीं इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने में क्राइम ब्रांच जोन 2 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शाहराज रनवरे व उनकी टीम का अहम रोल रहा। बताइए क्या मामला है। वसई विरार एरिया में करीबन इस साल 7 चेन स्नैचिंग की घटनाएं घटी थी। उसमें क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी थी। विशेष तौर से हमारे यूनिट 2 के जो पीआई रनवरे और एपीआई कामले और उनकी पूरी टीम ये गुने के डिटेक्शन में लगी हुई थी। इसमें काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेजेस हमने चेक किए, सभी 7 गुने के सीसीटीवी फुटेजेस और वहाँ के जो गोपनीय हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से भी हमने पता करने की कोशिश की। उसके तहत हमें पता चला कि ये इसके पीछे अंबिवली गांव जो कल्याण में है वहाँ के ईरानी बस्ती के 2 आरोपी है, उन्होंने ये चेन स्नैचिंग की वारदातें की थी। उसके तहत हमारी टीम उनके पीछे लगी हुई थी और 4 अप्रैल को हमारी टीम ने अब्बास अमजद ईरानी नाम के बंदे को हमने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में हमने जो मानिकपुर का एक ऑफेंस था वो इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके उसमें उसका पीसी लिया गया और इंट्रोगेशन के दरम्यान हमने अभी तक जो 7 ही चेन स्नैचिंग जो वसई विरार के एरिया में हुए थे वो 7 डिटेक्ट किए हैं। इस 7 चेन स्नैचिंग में हमने अभी तक 87 ग्राम सोना, करीबन 3.5 लाख का सोना हमने रिकवर किया है। साथ ही जो गुने में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल थी हीरो होंडा स्प्लेंडर 125 वो भी हमने अभी तक बरामद की। इस आरोपी का बैकग्राउंड ऐसा है कि इसके ऊपर अभी तक 21 के ऊपर सीरियस ऑफेंसेस इसके ऊपर रजिस्टर्ड है, जिसमें मोका जैसे गुने भी ये आरोपी कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन से फरार था। तो इस कामगिरी के पीछे हमारे पूरी यूनिट 2 के स्टाफ, पीआई रनोरे साहब, एपीआई कामले और उनकी पूरी टीम ने मेहनत लगा के ये काम को अंजाम दिया। सर, इस मामले में और भी आरोपी थे कि केवल सिंगल ही आरोपी? नहीं, और एक आरोपी है जो फरार है, उसका नाम हम लोग बता नहीं सकते, हमारी टीम उसके इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी। सर, इन आरोपियों का क्या बैकग्राउंड है और ये सोना चोरी करके कैसे? ये बेसिकली चेन स्नैचिंग के ही आरोपी है। ये पूरी ईरानी बस्ती जो अंबिवली गांव में है उसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो चेन स्नैचिंग करते हैं। काफ़ी सारे सिर्फ मुंबई या थाना या ये एरिया में नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ऑल ओवर इंडिया जाके यहाँ पे चेन स्नैचिंग करते, काफ़ी जगह पे इनके ऊपर चेन स्नैचिंग और सीरियस ऑफेंसेस इनके ऊपर रजिस्टर्ड। कितने मामलों का खुलासा हुआ सर? अभी तक अपने जितने वसई विरार के 7 चेन स्नैचिंग हमने डिटेक्ट किए हैं। मोडस ऑपरेंडी कैसे रहते हैं? मोडस ऑपरेंडी ऐसे रहते हैं कि सुबह के टाइम पे सुबह 6 बजे, 5, 5:30 बजे, 6 बजे या शाम के वक्त में जब वॉक के लिए जाते हैं महिलाएं और अकेले रहते उनको देख के वहाँ पे ये 2 मोटरसाइकिल पे आते हैं और वो चेन स्नैचिंग करके भाग जाते हैं। सर, अपन बगीचे की